गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम वेक्टर स्पेस की। उसमें थ्योरम नंबर फर्स्ट है, इसका स्टेटमेंट दे रखा है, इफ वी प्लस बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ प्लस डॉट, यानी वी प्लस हमें क्या दे रखा है, वी वेक्टर स्पेस दे रखा है फील्ड एफ पे, एंड कैपिटल जीरो बी द जीरो वेक्टर ऑफ वी, वी का जीरो वेक्टर है, एंड स्मॉल जीरो क्या है, बी द एडिटिव आइडेंटिटी इन एफ, एंड दिस ऑपरेशन इज एन एक्सटर्नल ऑपरेटर। तब देन आपको क्या है, नो कंडीशंस दे रखी है, उनको प्रूव करना है। हमें v प्लस कोई भी वेक्टर स्पेस दे रखा है, f क्या है फील्ड दे रखी है जिसपे v वेक्टर स्पेस है, यहाँ पे जो कैपिटल जीरो है वो क्या है, इस v का क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, और स्मॉल जीरो क्या है, इस f का आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये जो डॉट और इसके चारों तरफ सर्किल बना रखा है ये क्या है एक्सटर्नल ऑपरेटर दे रखा है। तब हमें प्रूव करना है, वन बाई वन मैं स्टेटमेंट भी लिखाती जाती हूँ और उनके प्रूफ भी करवा देती हूँ। अल्फा डॉट ये कैपिटल जीरो इज इक्वल्स टू कैपिटल जीरो फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू आर, यानी अल्फा किसका एलिमेंट है, किसी भी स्केलर को जब हम ऑपरेट करते हैं जीरो वेक्टर से तो हमें जीरो वेक्टर ही मिलता है, ये प्रूव करना है हमें। तो चूंकि जीरो वेक्टर है, शून्य आप क्या बोलेंगे, शून्य सदिश है, तो शून्य सदिश है तो उसको शून्य को शून्य में जोड़ा जाए तो हमारे पास में क्या आएगा, शून्य ही आएगा, ठीक है। दोनों तरफ हमने अल्फा से ऑपरेट करवा दिए, इसको इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अल्फा डॉट कैपिटल जीरो में जीरो प्लस अल्फा डॉट जीरो, और यहाँ पे आपका क्या है अल्फा डॉट जीरो, ये किसका एलिमेंट आएगा, वी का, ये वी का, ये वी का, ठीक है। अब यहां से हम लिख सकते हैं अल्फा डॉट जीरो प्लस अल्फा डॉट जीरो, ये वी का एलिमेंट है, शून्य एलिमेंट है, इसको क्या लिख सकते हैं, शून्य को शून्य में जोड़ेंगे तो शून्य ही आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन हमेशा वी के एलिमेंट्स पे वी का ही लगेगा। अब आप अल्फा डॉट जीरो प्लस जीरो, और इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अब वी प्लस आपका क्या है, अब वेक्टर स्पेस है तो ये क्या बनाता है, इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाता है, और किसी भी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या है अल्फा डॉट जीरो किसके बराबर आ गया, शून्य यानी जीरो एलिमेंट के इक्वल आ गया। हमें यही प्रूव करना था कि जब भी किसी स्केलर को वेक्टर जीरो वेक्टर से हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे इस ऑपरेशन के तहत, तो हमारे पास में क्या आएगा, शून्य आपका अवयव ही आएगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड में क्या दे रखा है, हमें प्रूव करना है जब भी हम क्या करते हैं जीरो स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास में क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा फॉर ऑल वी बिलोंगिंग टू वी एंड जीरो बिलोंगिंग टू एफ, ये प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ में इसको लिखेंगे हम, ये प्रूफ कई बार पूछे जाते हैं भाई, इसलिए इनको ध्यान से करना है। देखो जीरो स्केलर को हमने ऑपरेट किया वेक्टर से, जीरो स्केलर को क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो,
क्यों एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, फील्ड का। योजक तस्मक अवयव है आपका क्षेत्र का, तो जब भी किसी योजक तस्मक अवयव को सी में ही जोड़ते हैं तो हमारे पास